असारी अरकान विखिए वजाहत का मौका दिता, तसली बख्श जवाब न मिले तो मामला नैब भेज दसू। चेयरमैन तरीके इंसाफ का ऐलान, आख्या एक सैनेटर ब्रावंग दे 45 करोड़ रुपए रिश्वत की पेशकश की गई। शायद खकान अब्बासी भी अपने जमीन फरोश अरकान सामने गिनावे। इमरान खान को खुद भी पार्टी तो निकल बनना चाहिए। नवाज शरीफ आवाम नल किया होया कोई वादा पूरा कहने गिरा, पैकेज के नाते ठट्ठा से सजावल के लोगों को धोखा दिता गया। इकतदार आते आवाम को पीवन का साफ पानी दसू, बिलावल भुट्टो का तकरीब तो खिताब। तनकीद करने हथ मलिंद रहे सन, उन्हों की कोई कारकरदगी कहनी, हूँ वन के मुखालफिन अपने सूबे मनसूबे शुरू करते पे। वज़ीर-ए-आला पंजाब का दावा, आखिर दाने स्कूल सिस्टम भी मुखालफिन की तनकीद की जद च रहा, हूँ मुखालफिन तरक्याती मनसूबे असारी नकल करते पे। शहबाज शरीफ का लाहौर तकरीब तो खिताब, कि अगर गलती ये हुई है उसका अजाला आप तजवीज कर दीजिए, मैं अजाला करने के लिए तैयार। खास साहब से कहिए कि कल आ जाए, मैं उनको वहां पे वही रेफरेंस, उसी तरह की तकरीब, उसी तरह की हर चीज देने के लिए तैयार हूं। इंसाफ इंसाफ है, तोलते देवना चाहिए, कहीं दे नाल ना इंसाफी कहना थी। रियासत दी सब तो घट तरजीह अदलिया है, जिम्मेदार मैं कहनी चीफ जस्टिस साकिब निसार। निजाम बहुत सारे मुश्किल हैं, कला ठीक नहीं कर सकता। जस्टिस दोस्त मोहम्मद जाती मसरूफियात की वजह तो फुल कोर्ट रेफरेंस कहने की था तकरीब तो खिताब। 2018 अरे आप सुनिए ना, अ बिल टू अमेंड द पॉइंट ऑफ ऑर्डर सुनिए। जी जी जी, ये क्या कर रही हैं आप? ओके सिंध असेंबली का इजलास मच्छी बाजार बढ़ गया। फंक्शनल लीग ते नून लीग दे अरकान दा स्पीकर दे सामने एहतजाज, एजेंडे दियां कापियां फाड़ दियां, हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी। डिप्टी स्पीकर शैला रजा ते इजारुल हसन नजवी तल कलामी, अपोजिशन दा ऐवान दे बाहर भी बारदाना घिन ते धरना। सिंध के अंदर हमने विंड की इस वक्त 900 मेगावाट से ऊपर प्रोडक्शन है, हमें रिप्रेजेंटेशन दें ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर। वो कहते हैं कि हिस्सा मिलता है, हिस्सा ये मिलता है कि हमें चोर कहा जाए। सिंध बदतरीन लोड शेडिंग, वज़ीर-ए-आला वफाकी हुकूमत के वस पे, बड़े शहर 14 से 18 घंटे बिजली गायब रही है। नून लीग सूबे के अवाम को वोट ना देने की सजा देती पी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की जहांगीर तरीन नाल मुलाकात, मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल से तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म के सेनेट इलेक्शन तो मुतालिक चाहते गए सवालात से भी गाल मुहाड़। कराची पुलिस की गुलिस्तान जौहर कार्रवाई, सुरजानी तो अगवा किए वाले दू बारियां बाजियाब करवा दिया, दो मुलजिमान भी गिरफ्तार, बारिया को अगवा के बाद बेचा गया। मजीद तहकीकत जारी है, SSP इन्वेस्टिगेशन। पंजाब तेजाब गर्दी के वाकयात खौफनाक वधारा, गुजरात बस स्टॉप से खड़ी यूनिवर्सिटी की 3 तले बाद तेजाब छड़ दिया गया, तशवीशनाक हालत हस्पताल मुंतकिल, मुलजिम गिरफ्तार। रिश्ते तनाजे से बड़े जिया तेजाब छड़िया, वज़ीर-ए-आला पंजाब का नोटिस, DPO तो फौरी रिपोर्ट तलब कर दी। खैरपुर कौमी शाहराह से वैन का सिलेंडर फट गया, जहां बग बंदियों की तादाद छीती गई, 15 जख्मी, तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल करता गया। कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक, हलाकता बदन का डर। सक्कर पुलिस मुकाबले के दौरान एक डाकू जख्मी हालत गिरफ्तार, असलाह बरामद। खुशदार कराची स्मगल की वाली 88 किलो चरस पकड़ी गई, पुलिस को मुलजिम भी पकड़ गए। जलालपुर पीरवाल गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन स्कूल के गुंगे बोड़े तलबा ते तालिबात, PT टीचर के मुंबई ने तशद्दुद ते प्रिंसिपल के नारवा रवैये ते सरापा एहतजाज बढ़ गए। मुश्तैल तलबा का मुल्तान रोड ते धरना, मुजाहिन प्रिंसिपल ते PT टीचर की गिरफ्तारी ते मौत का मुतालबा करता। पंजाब अताया की शामत, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म ते पुलिस का मुख्तलिफ शहर क्रैकडाउन,
कई जाली डॉक्टर गिरफ्तार कर दे, क्लिनिक भी सील। नवाज शरीफ की कौम तू बेगम कुलसुम नवाज की सेहत याबी की दुआई की अपील, धी लंदन जेरे इलाज, एहलिया की तीमारदारी की थी। मीडिया नाल सियासी गाल ना करने तो इनकार, आख्या लंदन च क्याम कितना उसी कल पता चल वैसी। सेनेट के इलेक्शंस में जिन लोगों ने अपने आप को बेचा है, पैसे लिए हैं और पैसे लेके उन्होंने टिकट्स अपनी वोट दिया दूसरी पार्टी को, तकरीबन 20 लोग हैं। ना हमने वोट बेचा है, ना हमने पैसे लिए हैं। अल्लाह ना करे ऐसा कोई वक्त आए कि हमें वोट बेचना पड़े। नहीं जी, ये हम पर इल्जाम है, मैं डिनाई कर रही हूँ इसको। इमरान खान सेनेट इलेक्शन च वोट बेचने वाले पार्टी के वी अरकान को शोकास्ट जारी करते, जवाब तो मुतमईन ना थी वरते, पार्टी तो कढ़ने की वार्निंग, कोई वोट कैनी बेचा, इल्जाम मन घड़ते। उबैदुल्ला नगीना खान ते नरगिस अली फट पे। परवेज़ मुशर्रफ वालदा को धमकी दी थी, गवाह भी मौजूद हैं। साबिक सदर ते गवर्नर बलूचिस्तान को कतल करने के आइन छिकने का भी मुकदमा है, जेकर बेगुनाह हैं तो अदालत च आते सामना क्यों नहीं करते। बिलावल भुट्टो जरदारी आख्या इंतहा पसंद के खात्मे के लिए तालीम, पुलिस ते अदलिया च इस्लाहात की जरूरत है। कश्मीर नाल इजारा यकजहती, लंदन च मोदी सरकार के खिलाफ बड़ा एहतजाज, वजीर आजम आजाद कश्मीर समेत बरतानवी अरकाने पार्लियामेंट की भी शिरकत। भारत अवामी जमहूरिया कहनी, जमहूरिया खौफ है, बरतानवी अखबार भी आईना निखारता। आसफा को इंसाफ ने वो मकबूजा वादी च आज भी जाजा एहतजाज। मकबूजा कश्मीर आसफा बानो संघ इंसाफ का मुतालबा जोर पकड़ गया, इंसाफ की दुहाइया देंदे हुए कश्मीर दियां धियां भी मैदान च आ गया। पूरी वादिच एहतजाजी मुजहरे, काबिज फौज वल निहत्ते मुजहरिन ते हमला करता। अमरीकी सदर की शुमाली कोरिया के सरबराह नाल मुतवक्के मुलाकात, ट्रंप मुलाकात फायदामंद न होने से वॉकआउट का अंधिया रेड़ता, कहने फायदा नजर ना आया तो किम जोंग इन नाल मुलाकात अधूरी छोड़े। सा मेरी जिंदगी के 12 साल वापस दो, मुझे मेरी जवानी लुटा दो, मुझे मेरी आरजुएं और मेरी तमन्नाएं वापस कर दो। आज मैं देखता हूं कि इंसाफ और कानून में कितनी जान। शहनशाह जज्बात के लीजेंडरी अदाकार मोहम्मद अली दे मद्दा आज उन्होंने 87वीं सालगिरह मनाते हैं। बाकमाल ते लाजवाब अदाकार फन की दुनिया तो इधर रिश्ता जोड़िया जो आज भी यादें जिंदा हैं। मोदी के सर पे सजके चेहरे के फूल कहेंगे, तुम मिले प्यार मिला दे, मेरे प्यार के निशाने ये सिंगार याद रखना।